नमस्ते सभी। तो आज से हम लोग अभ्यास दो शुरू कर रहे हैं। कल तक हम लोग अभ्यास एक करते रहे और अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास किए। अब हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास करेंगे। स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अर्थ है चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना। स्वयं द्वारा शरीर को देखने का जो अभ्यास है वो मूलतः देखें तो चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास है। तो पूरी प्रकृति में देखें तो दो ही तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। तो प्रकृति को जानने का मतलब है चैतन्य को जानना, जड़ को जानना। तो जहां से बात शुरू हुई थी, हम इस बात को जानने का देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं। हम जो बाहर से प्रभाव लेकर सुखी होने का प्रयास करते हैं उसमें एक तो दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव है, दूसरा शरीर से मिलने वाली अनुकूल संवेदना है। और आप पाएंगे कि जब तक मुझे सुख स्वभाव रूप में न दिखाई दे, जब तक सुख का स्रोत मेरे अंदर स्थापित न हो, हम परतंत्र होते हैं, बाध्य होते हैं बाहर से कुछ पाकर सुखी होने के लिए। अभ्यास एक में हमने भाव के प्रति सजग होकर अपने आप को देखने का प्रयास किया कि कैसे सही भाव मेरे अंदर स्थापित हो सकता है, संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव, ताकि सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहे, है ना। ये भी इसके साथ दिखाई देगा आपको कि दूसरे से जो कुछ मिलता है मुझे, कोई अनुकूल भाव भी मिलता है, शरीर के माध्यम से मिलता है और शरीर के माध्यम से एक संवेदना मिलती है। फिर संवेदना से मैं कोई अर्थ को जोड़ता हूँ और फिर भाव का मैं अर्थ देता हूँ जो बाहर से मुझे लगता है मुझे मिला, और फिर उसके अनुसार मैं सुखी दुखी होता हूँ। तो जो दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव है या शरीर से मिलने वाली संवेदना है, इन दोनों में ही आप पाएंगे शरीर की भागीदारी है। वो भागीदारी क्या है, किस प्रकार है, कैसे चैतन्य जड़ के साथ जुड़ता है, चैतन्य में जो मानने की क्रिया है कैसे जड़ में जो पहचाने निर्वाह करने की क्रिया है उससे जुड़ती है, इन सब बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्कशॉप में हमने प्रस्ताव के रूप में ये सुना है कि मानव जो है वो मैं और शरीर का संस्तित्व है। वो सुनकर बात ठीक भी लगती है, अपने आप में जांचते हैं तो सहज रूप से स्वीकार भी होती है। जो हमने शास्त्र पढ़े हैं उनसे कई बार वो बात मेल भी खाती है। इससे तर्क के स्तर पे बहुत सारा समाधान भी निकलता है और इससे आगे जीने की एक पूरी परिकल्पना भी ठीक से अपने अंदर बैठती है। परंतु ऐसा हो सकता है कि अभी हमारा देखना शेष है। अगर देखना शेष है, एक सूचना ही है जो बाहर से आई है और हमने उसको अर्थ दिया है, उसको हमने अभी जांचा नहीं है, सीधा सीधा देखा नहीं है, एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देखा नहीं है, तो इस अभ्यास दो को करने से दोनों ही काम होंगे। एक तो जो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का हमने अभ्यास किया उसमें और गहराई आएगी, है ना, और पुष्ट होगा। तो ये देखना क्या होता है वो और पुष्ट होगा। दूसरा, चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का काम होगा। और जो अभ्यास एक है, आप पाएंगे अभ्यास दो को कॉम्प्लीमेंट करता है, अभ्यास दो अभ्यास एक को कॉम्प्लीमेंट करता है। और ये दोनों तैयारी ठीक से अपनी हो तब जाकर हम अभ्यास तीन में उतर पाते हैं, जहां हम शून्य में स्वयं को देखने का अभ्यास करते हैं, शून्य में शरीर को देखने का अभ्यास करते हैं। और इस प्रकार शून्य में हम पूरी प्रकृति को, जड़ या जड़ चैतन्य को देखने का अभ्यास करते हैं। बट उसके लिए जो तैयारी अपने आप में होनी है वो अभ्यास एक और दो के द्वारा होनी है। अभ्यास एक को कल हमने समाप्त किया था, उसको मैं ब्रीफली रिकैप कर देता हूँ। तो अभ्यास एक में हम चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने के क्रम में पहले स्टेप पे अपने कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास किए, उसमें मूलतः अपने भाव को देखने का अभ्यास किए, बिना रोके, बिना बदले, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना मूल्यांकन किए, बस जैसा है वैसा देखा। और मैं तो कहूँगा ये काम अपने को हो सकता है पूरा ना हुआ हो, उसको अभी ध्यान से करते रहना है, क्योंकि जब हम प्रयास पूर्वक ध्यान देते हैं तब तो भाव दिखता है, अन्यथा हम विचारों में बहने लगते हैं, फिर ना विचार दिखता है ना भाव दिखता है, हमें सिर्फ बाहर की वस्तुएं दिखती हैं और उसके अनुसार हम निर्वाह कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो सुख दुख हो रहा होता है उसके लिए अंदर में प्रतिक्रिया चल रही होती है, यही हमारा जीना बन जाता है।
तो एक स्टेप जो हमें अपने अंदर लेना है कि अभ्यास एक के समापन के साथ साथ हम अपने अंदर ये स्टेप वन जो है ना अभ्यास का, अपने भाव के प्रति सजग रहने का, उसको बनाए रख पाए। तो जो कई बार बात हुई कि मैं और मेरा भाव, ये हमको दिखाई दे, तो हम अपने आप को भाव के स्तर पे देखें, ठीक है ना। तो स्टेप वन में हम अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किए, स्टेप टू में अपने भाव को जांचा कि भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। अब स्टेप थ्री पे इस बात को जांचा कि इसके साथ मेरी स्थिति सुखद है कि नहीं। अब इसमें जो प्रश्न आया तो ये भी लगता है कि कई बार भाव नहीं दिखता, पता नहीं चलता सहज स्वीकृति यहाँ पे है क्या, बट ये पता लगता है कि सुखद स्थिति है कि दुखद। अब इसको मैं सुखद भी कहूँ या कोई अनुकूलता है बाहर की, सामयिकता है इसमें, ये नहीं दिखता। तो ऐसे हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ अपने अंदर प्रश्न चिन्ह हो सकता है बने रह जाए, परंतु ये हो सकता है कि स्टेप वन और टू तो ठीक से नहीं हो पाए, स्टेप थ्री में जाकर कुछ ये दिखी कि हाँ स्थिति तो सुखद नहीं है, नहीं है तो क्या भाव चल रहा है मेरे अंदर, जरा हम देखें इसको। तो कई बार आप बैठे रहते हैं बट लगता है कि मैं अपने आप में आराम में नहीं हूँ, तो हम अपने अंदर ध्यान देते हैं क्या चल रहा है मेरे अंदर, देखूं जरा। तो फिर अपने भाव के प्रति होश बनता है, फिर लगता है अगर सुखद स्थिति नहीं है तो सहज स्वीकार तो नहीं होगी, उस पर होश बनता है। फिर ये भी होश बनता है कि अभी जो मेरे अंदर भाव चल रहा है, ये स्टेप फोर में बात कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, जिस सुखद या दुखद स्थिति के लिए जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। तो फिर ये बाहर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूँ मैं अपने अंदर, उसको मैं वहां से निकल कर मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ कि इसको ध्यान दूँ, इस पर काम करूँ। अब कमोबेशी आप देखेंगे स्थितियां हमारे साथ बनी रहेंगी आने वाले दिनों में भी, बट इस पर सतत काम करना है। कम से कम जो एक हमारी औसत स्थिति है कल्पनाशीलता की, उसमें तो कुछ आगे की स्थिति बने, कुछ प्रगति हो, कुछ विकास हो, नहीं ये काम करने योग्य है। स्टेप फाइव में हमने देखा कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो पता चलता है कि अगर मान्यता आधार में है तो उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल लगा रहता है, निश्चितता नहीं होती, निरंतरता नहीं होती, उतार चढ़ाव लगा रहता है। पर यदि समझ आधार में होता है तो निश्चितता होती है, निरंतरता होती है, स्थिति सुखद होती है। जब भी जांचने जाता हूँ दिखता कि हाँ मुझे अपनी स्थिति, अपना भाव सहज रूप से स्वीकार है, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि भाई समझना क्या होता है। स्टेप सिक्स में अपने आप से जांचा हमने क्या समझे, पूछा अपने आप से कि भाई संबंध का भाव स्वीकार है कि विरोध का, व्यवस्था का कि अव्यवस्था का, सहस्तित्व का कि संघर्ष का। तो उसके साथ ये निर्णय बनता है कि संबंध के भाव का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, सहस्तित्व का अनुभव करना है। फिर स्टेप सेवन में इस निर्णय को बनाए रख पाते हैं कि मेरे अंदर इस क्षण संबंध का ही भाव है, अभी से ही की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, संबंध का भी भाव हो नहीं, संबंध का ही भाव हो, व्यवस्था का भी भाव हो नहीं, व्यवस्था का ही भाव हो। ये एक मेजर शिफ्टिंग है। आप पाएंगे इसमें हमारे अंदर कई बार थ्रेशोल्ड आते हैं। एक पॉइंट तक तो हम संबंध के भाव को बनाए रख पाते हैं, फिर हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। एक पॉइंट तक हम व्यवस्था के भाव को बनाए रख पाते हैं, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अगले क्षण देखा जाएगा, अभी तो यहाँ पे विरोध ही ठीक है ना, या आने दिया जाए, है ना, विरोध का भाव ये रोके नहीं रुक रहा, या व्यवस्था का भाव रोके नहीं रुक रहा। तो उसको भी हम एक एक क्षण में शुरू करते हैं देखना, ये भी से ही पे शिफ्ट होते हैं कि संबंध का ही भाव हो ना कि विरोध का, व्यवस्था का ही भाव हो ना कि अव्यवस्था का, सहस्तित्व का ही भाव हो ना कि संघर्ष का, ना कि अन्यथा। और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं, एक क्षण से अनेक क्षण, अनेक क्षण से हर एक क्षण। अभी इसको जब आप करने जाएंगे तो इसमें शरीर से जो सूचनाएं आ रही हैं, चाहे दूसरे से मिलने वाले व्यवहार से हो, या शरीर के भीतर घटने वाली घटनाओं से हो, या बाहर के वातावरण से हो, ठीक, उस पर कई बार ध्यान जाएगा, क्योंकि अगले आदमी का भाव भी कहाँ से पहुंच रहा है, शरीर के माध्यम से ठंड गर्मी कहाँ से लग रही है, शरीर के माध्यम से, शरीर में कोई चुभन है, गुदगुदी है, खुजली है ना, आलस्य है, ये सब कहाँ से पहुंच रहा है।
आलस मतलब शरीर में कोई शिथिलता है, तो शरीर के माध्यम से, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका भी अध्ययन किया जाए, नहीं तो हम इसको नकारते रहते हैं, कई बार भाव पे ध्यान देते रहते हैं और भाव पे ध्यान टिकता नहीं है और इसी पे ध्यान कई बार बना रहता है। कई बार तो ये होता है कि इसके लिए हम अपने भाव पे जो ध्यान देना है उसको पोस्टपोन कर देते हैं, पर लगता है कि इसको ही पहले इसका तो सुख लिया जाए या जो समस्या आ रही है उसका निपटारा किया जाए। तो अभ्यास एक को जब आप बारीकी से करने जाएंगे तो ये जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है इसको समझने की अनिवार्यता बनने लगती है। इसलिए अभ्यास दो को अपने अंदर करना जरूरी है। जी, इतनी बातों के आधार पर यदि आपका कोई प्रश्न बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन है तो रख सकते हैं। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था कि जब हम व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं और संबंध के भाव में रहना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में ना कुछ संबंधों में जो विरोध एकदम से आ जाता है, तो हम चाहते हुए भी ना वो जो बार बार कंटिन्यूअसली विरोध आता है तो वो रह नहीं पाते, बार बार वो पीड़ा जो है ना वो तकलीफ देती है और एकदम से अंदर से ना वो हिलता है संबंध का भाव, तो वहां पर क्या करें? देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है ना कि यदि हम संबंध के लिए काम करते हुए व्यवस्था को न देख पाए तो हम अव्यवस्था में फंसे रहते हैं और एक एक व्यक्ति के साथ संबंध में समस्या को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमें व्यवस्था समझ में आए, जैसे परिवार एक व्यवस्था है ना, हाँ, इस परिवार का कोई लक्ष्य होगा जी, परिवार का कोई विधि कार्यक्रम होगा। अब ये हमको स्पष्ट न हो, परिवार की व्यवस्था स्पष्ट न हो, फिर एक व्यक्ति के साथ संबंध निर्वाह में उलझते रहते हैं, हम फंसते रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर हमको कई बार मिलते हैं कई बार नहीं मिलते और हमारे अंदर ग्लानी भी रहती है कि अभी भी हम उभय सुख सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। बट ओवरऑल यदि हम परिवार की व्यवस्था को समझ पाते हैं तो हम संबंधों का भी निर्वाह कर पाते हैं है ना, शरीर का भी ठीक से ध्यान रख पाते हैं और परिवार के समाज में भागीदारी भी सुनिश्चित कर पाते हैं। तो हमको धीरे धीरे दिखता है कि जो परिवार है ये विश्व परिवार की एक इकाई है। मूल मुद्दा तो विश्व परिवार व्यवस्था है, वहां तक हम देखते हैं ठीक। फिर जो बहुत सारी मान्यताएं बन जाती है परिवार के बारे में, कैसा तो होना ही चाहिए, वैसे तो होना ही चाहिए, इसका मूल्यांकन कर पाते हैं। फिर इसके साथ आप पाएंगे इस व्यवस्था की दृष्टि के साथ जो संबंध में जो हमारा निर्वाह है वो सहज रूप से निश्चित होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा परिवार ही अगर ठीक है, हो सकता है सुविधा संग्रह भोग में लगा हुआ है, उदाहरण के लिए किसी का परिवार हो ठीक, अब वो सुविधा संग्रह भोग की दृष्टि के साथ उसमें आप संबंध को चाहे जितने भी अच्छे से निर्वाह करने जाए, या तो वो संग्रह भोग में सहायक होगा या उसमें बाधक होगा। बाधक होगा तो परिवार में अव्यवस्था बनेगी, सहायक होगा हमको खुद ही दिखता है कि अमानवीयता में जा रहे हैं संबंध का निर्वाह करते हुए। तो ये संबंध में उभय सुख हरेक के साथ तभी सुनिश्चित हो पाता निरंतरता में जब हमको व्यवस्था स्पष्ट होती है। तो अगर परिवार का कॉमन लक्ष्य ही गलत हो गया है ना, सुविधा संग्रह भोग में चला गया है, शोषण में चला गया है, उसमें हम निजी संबंधों को जितना भी अच्छे से निर्वाह करेंगे या तो हम उसमें बाधक सहायक होंगे उस शोषण में संग्रह में है ना भोग में, या फिर हम उसमें बाधक होंगे और बाधक होंगे तो संबंध में कठिनाइयां आएंगी। तो एक बात महत्वपूर्ण यह है कि परिवार की व्यवस्था को समझा जाए और परिवार को विश्व परिवार के एक इकाई के रूप में देखा जाए। ये कई बार हम नहीं कर पाते, जब नहीं कर पाते हैं तो परिवार में निजी संबंधों को निर्वाह करते करते हम थकते रहते हैं। तो परिवार का मतलब या संबंध का मतलब इतना नहीं कि पति पत्नी संबंध है ना, माता पिता संतान संबंध या भाई बहन संबंध, सारे संबंध, संबंध तो भाव है ना, हम उस भाव के साथ देखेंगे, उसमें जो भी निर्णय लेने होंगे लेंगे और हमारा कार्यक्रम निश्चित होगा। तो ये भाग अपने आप जरूर देख लें कि हम व्यवस्था को समझने के साथ संबंध को देखने का प्रयास कर रहे हैं या व्यवस्था पे ध्यान नहीं है, सिर्फ हम इन्हीं है ना व्यक्तियों के साथ संबंध को निर्वाह करने में लगे। अब अगला व्यक्ति मान्यता ग्रस्त है, अगला व्यक्ति है ना बाहर से मिलने वाली सूचना चाहे कोई संवेदना हो या दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव हो उसे सुखी होने में लगा है, उसको पूरा करें तो भी हम थकते हैं, ना पूरा करें तो परेशान होते हैं। और यदि हम ऐसे हैं तो हमको अपने ऊपर भी काम करना होगा। ये बात आप एक बार देख लें, फिर आप पाएंगे कि हमको जो निजी संबंधों में कठिनाइयां आती हैं उससे हम निकल पाते हैं।
भैया हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम सोचते हैं जैसे लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा ऐसे रहो कि जबरदस्ती मतलब ना बोलो, क्योंकि जब तक मेरी समझ पूरी ना हो जाए और उधर से भी कुछ ना हो, लेकिन उधर से बार बार बिना उसके भी बार बार बीच में जैसे बोलना और वो करना, कमेंट्स पास करना, जानबूझ के फोन करके कमेंट पास करना, तो वो चीज बड़ी तकलीफ सी दे जाती है और वो थोड़ा सा हिला देती है स्थिर चलते हुए जी, भी। इसलिए मैंने कहा ना तो कि देखिए परिवार में व्यवस्था के लिए जरूरी है कि परिवार में सभी का लक्ष्य कम से कम ठीक हो, कि भाई मुझे सही समझ सही भाव के आधार पर सुखी होना है। तो इसको हम सुनिश्चित करें, ये वाले काम को अगर हम छोड़ देंगे तो ये सब चीजें हमको परेशान करती रहेंगी, फिर हम इससे आहत हों या अपने आप को बचा के रखें, अल्टीमेटली वो निरंतर सुखपूर्वक जीने वाली स्थिति बनेगी नहीं। तो परिवार में जरूरी है कि सब लोग समझें, है ना, अगर नहीं समझेंगे तैयार हैं तो हम उसके अनुसार उनका मूल्यांकन करते हैं, जो समझने को तैयार हैं उनके लिए हम योजना कार्यक्रम बनाते हैं, फिर हम संपूर्णता में देखते हैं चीजों को, फिर एक एक संबंध के निर्माण में थकते नहीं। तो अभी दिखता है कि धरती पर इतने सारे मानव हैं जो समझने को तैयार बैठे हैं, उनके लिए हम समय लगाएंगे। उनके लिए जब हम समय लगाते हैं ठीक से, तो जो परिवार में संबंध है वो भी उस अर्थ में परिभाषित होने लगते हैं। अदरवाइज अगर लोगों को लगता है कि यही इनकी सीमा है जीने की, इसी परिवार में इनको सारा अपना तन मन धन लगाना है, तो फिर वो एक दूसरे का अधिमूल्यन और मूल्यन चलता रहता है। अगर हम इस संपूर्णता में जीते हैं तो फिर एक दूसरे के द्वारा फोन कॉल पे व्यवहार से हम बहुत प्रभावित नहीं होते। हमको पहले से पता होता कि व्यक्ति समझने काम में नहीं लगा हुआ है, गलतियां तो करेगा ही, फिर हमसे भैया अपेक्षा भी नहीं रखते कि सही करे, कुछ पूर्णतया सही तो कर प्रभावित जाए नहीं वो। होते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पड़ता है फर्क, जब बार बार होता है वही वो देख लीजिए कुछ जो मैंने क्वेश्चन बात के कही लिए ना तो होता है, व्यक्ति, मतलब लंबा नहीं होता, अब तो थोड़ी देर के लिए ही होता है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए तो थोड़ा सा हिलाता है। वही उसको देखना होगा आपको ना, कि अगर अगले व्यक्ति के साथ हम समझ को केंद्र में रखकर कार्यक्रम नहीं बना रहे तो एक संयोग की बात है कि कभी कभी आहत करता है ना, ज्यादा आहत भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है। तो अगले व्यक्ति के साथ क्या मैं समझ को संबंध को केंद्र में रखकर कोई योजना कार्यक्रम बना पा रहा हूँ कि नहीं, ये देखना होगा, नहीं तो अपेक्षा भी नहीं रखेंगे कि उसका जीना ठीक हो। वो तो जीना गड़बड़ होगा ही, मान्यताओं के आधार पर होगा, संवेदनाओं के आधार पर होगा, चलेगा ये आगे भी चलेगा। तो ये तो एक चांस की बात है कि अगला व्यक्ति है ना एक लिमिट के भीतर ही अमानवीयता कर रहा है, उससे बाहर भी कर सकता है। जी भैया प्रयास करती हूँ, जी प्रयास तो निरंतर ही जारी है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। नहीं, कोई तो परिवार में है ना सबके समझ के लिए कोई कार्यक्रम तो बनाना जरूरी है, ताकि सभी समझें। तो परिवार में बैठ के वर्कशॉप हो, परिवार में बैठ के इन मूल मुद्दों पर चर्चा हो, परिवार सभा हो जिसमें हम इनके आपस में जो भी व्यवहार की कठिनाइयों पर डिस्कशन करें और हम मूल मुद्दे तक पहुंच पाए, और बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग को सिर्फ निर्णय लेने की देरी होती है। नहीं भैया, जैसे हम लोग एक चार दीवारी में जो लोग रहते हैं ना, उनके साथ तो संबंधों में बहुत वो आ गया और हम इकट्ठे बैठने भी लग गए हैं, लेकिन जो चार दीवारी में नहीं रहते, दूर रहते हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उनके साथ तो हम साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना वो ठीक बैठना है ना, चाहते साथ हैं। नहीं बैठ पा रहे हैं, बट आप उनके साथ प्लान करिए कि भाई हम लोग ऑनलाइन है ना हफ्ते में वो इतने सुनना भी नहीं, दिन, वो सुनना भी नहीं चाहते ना कुछ भी, बस बीच बीच में आके कमेंट्स पास कर जाते हैं जो आहत कर देते हैं। रुके रुके सब दो बातें भी, एक तो जो सुनना चाहते हैं उनके लिए क्या योजना बनाया हमने, उनके लिए जैसे परिवार में भैया, जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, मैं सबको कोर्स कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं करा मैं रही हूँ परिवार वर्कशॉप इसके वगैरह। बाहर बात कह रहा हूँ, जिनसे आप आहत परेशान होते हैं, ठीक, तो जो उनमें सुनना समझना चाहते हैं उनके लिए कोई योजना बनाई है कि नहीं बनाई हमने, तो नहीं बनाई है। ठीक, भैया उन्होंने और बिल्कुल यदि ही हम उनसे सम आहत हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं तो हमारी अपनी अयोग्यता है। पहली बात तो ये कि हम परेशान नहीं होंगे उनके कमेंट से या बातों से, ठीक, उसका सही मूल्यांकन करेंगे, उसके आधार पर उनके साथ भागीदारी तय करेंगे कि इस संबंध में मेरी क्या भागीदारी बनती है, अगर अगले व्यक्ति का समझ का ये स्थिति है। और जो लोग समझने को तत्पर है उनके लिए हम योजना बनाएंगे कैसे उनके साथ हम कनेक्ट हो। देखिए इंटेंशन किसी का गलत नहीं है, हर आदमी फंसा हुआ है, अपने संस्कारों में उलझा हुआ है, उससे संघर्ष कर रहा है, उससे निकलने में हम सहयोग करेंगे तो उसके लिए उसी संस्कारों के लिए हम उससे संघर्ष करेंगे, निकलने में सहयोग करेंगे। जी भैया, करती हूँ जी प्रयास, प्रयास करती हूँ भैया। बढ़िया दीदी, जी भैया, थैंक यू भैया।
तो हम लोग अभ्यास एक में चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास किए, अब अभ्यास दो में चैतन्य द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास करेंगे, और फिर चैतन्य और जड़ के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखने का प्रयास करेंगे शून्य के माध्यम से, है ना। यानी मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखने का अभ्यास करेंगे शून्य के माध्यम से। ये तीन अभ्यास हैं, तो तीसरा अभ्यास तो हम लोग नहीं ले रहे, बट अभ्यास दो के आखिरी स्टेप पे इस पे थोड़ा सा काम करेंगे जी। अभी हम लोग मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास करेंगे। बिना शरीर लेके भी व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, तो वो कैसे होता है? और ये एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सही समझ, सभी के बारे में सही समझ, मतलब चैतन्य के बारे में भी और जड़ के बारे में भी। और जब हम जड़ के बारे में देखते हैं तो जड़ को लेकर जो अभ्यास है ना, वो ये जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें किया गया है। तो जब हम कहते हैं कि कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, तो इस पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में हमें समझ अपने आप हो जाती है क्या? ये दो प्रश्न मेरे मन रहे। जी देखिए, अभी भी हम अगर अपने अंदर बैठ के सबके शुभ का विचार करें, सबके शुभ का भाव रखें, उसके लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने आप में हर क्षण कर ही सकता हूँ, आप हर क्षण कर ही सकते हैं। तो हम अभी भी भाव के स्तर पर हर एक मानव के शुभ की भाव तो रख ही सक शुभ का भाव तो रख ही सकते हैं, पूरी प्रकृति व्यवस्था का भाव तो रख ही सकते हैं। ये भागीदारी हम अभी भी कर सकते हैं और कर रहे हैं किसी रूप में, अगर आप देखें, जिसमें शरीर का बहुत कोई रोल नहीं है। अब बात हो जी रही दूसरे जी तक कैसे पहुंचे, तो अभी चूंकि शरीर साधन के रूप में है तो शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। जब शरीर साधन के रूप में नहीं होता है तो बिना शरीर के भी हम भागीदारी करने का विचार करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम और चीजों को जब हम फैल के देखते हैं उसकी संभावना भी दिखाई देती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। परंतु यह है कि शरीर के माध्यम से अगला व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसके साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना सरल पड़ता है, शरीर का प्रयोग करते हैं। अन्यथा फिर हम बिना शरीर के भागीदारी करने का तरीका निकालते हैं, और वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम शून्य के माध्यम से तो जुड़े हुए हैं, है ना, जड़ से भी चैतन्य के साथ भी। किस रूप में भागीदारी होगी, किस प्रकार होगी, वो अपने आप में देखने की बात है। तो अभी हम शरीर के साथ जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, ठीक है ना। ये जितना जितना इसको सटीकता से करेंगे उतना उतना जो आगे की संभावना है वो भी दिखाई देती है। ये तो दिखता ही है कि मैं तो अपने अंदर हर क्षण सर्वशुभ का तो भाव रख ही सकता हूँ, और सिर्फ विचार नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, है ना। हर क्षण मेरे अंदर सर्वशुभ का भाव हो, हर मानव का शुभ हो, हर मानव में ज्ञान हो, मानवीय परंपरा के अर्थ में ही मेरे अंदर हर योजना कार्यक्रम तैयार हो, ये तो मैं अपने आप में हर क्षण अभी भी कर सकता हूँ। तो भागीदारी तो हम अभी भी कर ही सकते हैं जिसमें शरीर का कोई रोल नहीं। कम्युनिकेट करने की जो बात है ना, तो उसको हम देख लेंगे। अभी तो शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, बिना शरीर के भी कर सकते हैं। अभी तो शरीर एक साधन के रूप में मिला हुआ है, एक शरीर यात्रा है ना। अभी तो हमको इस पर ध्यान देना है कि इसका सदुपयोग कैसे हो जी, कि नहीं। ये काम ठीक से करेंगे तो बिना शरीर का, अदरवाइज शरीर भी नहीं रहेगा, ये योग्यता विकसित नहीं रहेगी, तो बाधा हो जाएगी। जी अगला प्रश्न आप क्या था। अगला प्रश्न था कि राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सभी के बारे में, जड़ और चैतन्य के बारे में सही समझ, ऐसा ही है ना? जी सब तो मतलब हाँ सिर्फ जड़ चैतन्य नहीं, पूरे अस्तित्व के बारे में सही समझ। हाँ पूरे अस्तित्व के बारे में सही समझ। तो जब हम जड़ की बात करते हैं ना, तो हमने तो ये जो जड़ के बारे में जो जो अभ्यास है, वो मतलब वो पूरा नहीं है, लेकिन जो भी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब सब्जेक्ट्स जो है शरीर शास्त्र, इसमें है। तो जब लोग हम के कहते रूप हैं ऐसा कि नहीं है, ये जो फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, हाँ इसमें सिर्फ सूचना मिल रही है, समझ नहीं, और सूचना भी कई बार गलत मिल रही है, उल्टी पुल्टी मिल रही है। तो ऐसा हाँ है तो हाँ तो फिर जब हम कहते हैं ना कि कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, तब हमें जड़ के बारे में भी पूरी पूरी समझ हमें हो जाती है क्या? हाँ, समझ होती है, सूचना नहीं। तो सूचना है ये, हाँ उसके रूप गुण के बारे में जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद हमको हर फिजियोकेमिकल रिएक्शन का
पता होगा इक्वेशन क्या लगता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं बट होगा। हम हाँ, तो ये जो फिजिक्स में हम बहुत सारा इक्वेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें हम प्रवीण हो जाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उनके रूप और गुण के बारे में है, जो वेरिएशन है जिसमें, उसमें ना तो है ना निश्चितता है, ना निरंतरता है, ना सार्वभौमिकता है। जो निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, वो तो इकाई के स्वभाव, धर्म, परम धर्म के बारे में है, यानी उसके संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व के बारे में है, उसका हमको ज्ञान हो जाता है। रूप और गुण का प्रयोग करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर ज्ञान हो जाए, बट हमको ये नहीं पता है कि ये जो किचन में मसाले रखे हैं सबका क्या क्या गुण है, ये हो सकता है। वो तो जब सूचना मिलेगी, प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इस मसाले में ये गुण है। तो जड़ के ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमको धरती के हर इकाई के रूप और गुण का पता लग गया, ऐसा नहीं। हमको चारों अवस्थाओं के स्वभाव, धर्म, परम धर्म का पता लग गया, वो दिख गया हमको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो पढ़ा रहे हैं, वो रूप और गुण के बारे में, तो उससे तो हम अभी भी अनभिज्ञ हो सकते हैं। बहुत सारी सूचनाएं हमको नहीं होंगी उनके रूप और गुण के बारे में। और अभी जो पढ़ा रहे हैं, एक तो इनकम्प्लीट है, यानी सिर्फ रूप और गुण के बारे में है, स्वभाव, धर्म, परम धर्म के बारे में है नहीं। दूसरा, चूंकि उसके बारे में नहीं, इसे बहुत सारा गलत शब्द भी पढ़ा रहे हैं, ये भी है। जैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, उसमें लाइफ है कि नहीं, अब ये अभी भी क्लियर नहीं है, पूरे मेडिकल साइंस में क्लियर नहीं है, पूरे बायोलॉजी में क्लियर नहीं है, ठीक है। लाइट क्या है, ये पूरा फिजिक्स में क्लियर नहीं है, कभी लगता है वेव है, कभी लगता है पार्टिकल है। एनर्जी नहीं, क्या है, क्लियर नहीं कभी है। लगता एटम क्या है, ये क्लियर ही नहीं है। तो ये सारा अभी तो तीनों ही बात हो गई, एक तो जो पढ़ा रहे हैं रूप गुण के बारे में पढ़ा रहे हैं, स्वभाव, धर्म, परम धर्म का पता नहीं, दोनों दूसरा जो पढ़ा रहे हैं उसमें निश्चितता नहीं है, ऐसा है कि वैसा है, और तीसरी भी बात कहीं कहीं गलत भी पढ़ा रहे हैं, जैसा है उसको उल्टा पढ़ा रहे हैं, हैं। तो ये भी संभावना है। काफी कुछ सही भी पढ़ा रहे हैं, है ना, वो जितना सही पढ़ा दे रहे हैं उसके अंदर जो तकनीकी बन रही है उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, परंतु चूंकि स्वभाव, धर्म, परम धर्म का पता नहीं है, इसलिए उसका सदुपयोग में निरंतरता नहीं हो पा रही, सार्वभौमिकता नहीं हो पा रही, तो हम उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर। इसलिए आप देखिए, तो इतना सारा पढ़ाई लिखाई के बावजूद रहन सहन हमारा निश्चित नहीं हो पाता, खान पान निश्चित नहीं हो पाते, और कंफ्यूजन बने रहते हैं भाई, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था में क्या अंतर है, प्राण अवस्था और जीवावस्था में क्या अंतर है, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था में क्या अंतर है, ये सब कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि मानव और पशु पक्षी में मूलतः क्या अंतर है, पशु पक्षी और पेड़ पौधे में मूलतः क्या अंतर है, अभी नहीं क्लियर है, कहाँ क्लियर है, कहीं हम बात भी नहीं कर पाते। मानव भी क्या है, इस पे हम बात ही नहीं कर पाते जी। जी जी भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, कुछ और हैंड्स रेज थे, मुझे लगता है कि अभी तो नहीं दिख रहे, तो हम मानव का अध्ययन करेंगे, तो दिखता है कि मैं और शरीर दो इकाइयों के सहअस्तित्व के रूप में है। मैं मतलब जिसको हम लोग कई बार मैं कहकर संबोधित करते हैं, चैतन्य है, और जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, शरीर जो जड़ है। अब इसका अध्ययन कैसे शुरू करें, तो देखिए वर्कशॉप में सारी बातें हमने सुनी है कि मैं क्या आवश्यकता सुख है, शरीर क्या आवश्यकता सुविधा है, मैं क्या आवश्यकता सुख के रूप में निरंतर है, शरीर क्या आवश्यकता सामयिक है, मैं क्या आवश्यकता गुणात्मक है, शरीर क्या आवश्यकता मात्रात्मक है। अब ये जो सुबह के सत्र में हम काम कर रहे हैं, इसको सीधा सीधा देखने वाली बात है कि मैं अपनी आवश्यकता को सीधा सीधा देखूं, है ना, मेरी आवश्यकता सुख है, शरीर सुखी नहीं होना चाहता, मैं सुखी होना चाहता हूं। कई बार हमको लगता है कि शरीर सुखी होना चाहता है, शरीर को ये चीज चाहिए, तो शरीर को सुविधा चाहिए, सुख नहीं, और शरीर को जो भी सुविधा चाहिए वो सामयिक रूप से चाहिए, टेम्पररीली चाहिए। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है, भाई भोजन तो हम 3 बार लेते हैं, ठीक है, सामयिक है, परंतु भोजन तो शरीर में बना रहता है, तो सामयिक है कि नहीं है, इस तरह के प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो भोजन की आवश्यकता सामयिक है या भोजन भी निरंतर आवश्यक है, तो देखें तो भोजन जब शरीर का भाग बन गया तो शरीर ही बन गया, और शरीर सामयिक है पता लगता है, तो
तो शरीर को भोजन की आवश्यकता जो बाहर से पूरी होनी है वो भी सामयिक है, और शरीर का यदि भाग भोजन बन गया तो शरीर भी सामयिक है। तो मूलतः देखें तो सामयिक है, शरीर भी सामयिक है, शरीर की आवश्यकता भी सामयिक है, मेरी आवश्यकता निरंतर है ना? और मेरी आवश्यकता मूलतः क्या है? संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव, जिससे मैं निरंतर सुखी हो पाता हूं। और ये गुणात्मक है, भाव के रूप में है। शरीर की आवश्यकता को देखें तो भोजन, वस्त्र है ना, मकान, साधन, ये सब मात्रात्मक वस्तुएं हैं, सीमित मात्रा में। एक सीमा से कम हो तो भी शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होती, एक सीमा से अधिक हो तो भी शरीर की व्यवस्था बिगड़ने लगती है। जैसे इसी ठंड में, ठीक है ना, एक स्वेटर से काम चल सकता है अगर, और किसी के ऊपर, किसी को 3 स्वेटर पहना दिया जाए तो शरीर की व्यवस्था बिगड़ने लगेगी कि नहीं? एक कंबल से अगर काम चल सकता है, उसके ऊपर 4 कंबल डाल दिए जाए, शरीर की व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। एक भी कंबल ना हो तो भी शरीर की व्यवस्था बिगड़ेगी। तो दिखता है कि एक सीमित मात्रा में चाहिए, एक लिमिट से कम नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। तो मात्रात्मक है, पूरा मामला ही मात्रात्मक है शरीर का। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि एक सीमा से कम भाव हो तो भी ठीक नहीं, एक सीमा से अधिक भाव तो भी ठीक नहीं। इनका संबंध के भाव की निरंतरता हो जाए, व्यवस्था के भाव की निरंतरता हो जाए, सांस्कृतिक के भाव की निरंतरता हो जाए, ये भाव जैसे ही हटता है हम दुखी परेशान होते हैं। तो गुणात्मक का मतलब कि या तो चाहिए तो हर क्षण चाहिए, नहीं तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए। संबंध का भाव निरंतर चाहिए, विरोध का भाव एक क्षण के लिए भी नहीं, व्यवस्था का भाव हर क्षण चाहिए, अव्यवस्था का भाव एक क्षण के लिए भी नहीं, सहस्तित्व का भाव हर क्षण चाहिए, संघर्ष का भाव एक क्षण के लिए भी नहीं। ये गुणात्मक का मतलब है। मात्रात्मक में क्या है? चाहिए भी बट एक सीमा में चाहिए। गुणात्मक में क्या है? या तो बिल्कुल नहीं चाहिए या चाहिए तो निरंतर चाहिए, ऐसा है। इतने बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। ये बात स्पष्ट है गुणात्मक मात्रात्मक का। तो मैं का अगर मामला देखें तो इस प्रकार है कि चाहिए तो निरंतर चाहिए, नहीं तो एक क्षण के लिए भी नहीं। शरीर का है कि चाहिए भी है ना, आवश्यकता भी है, परंतु तो एक सीमा के भीतर, न उससे कम, उस सीमा से, एक सीमा से कम न एक सीमा से ज्यादा। पूर्ति अगर देखें तो मेरी जो आवश्यकता है निरंतर सुख की, निरंतर सुख का मतलब भी क्या कि जो स्थिति मुझे सहज रूप से स्वीकार है उसमें मैं बना रहूं, मैं अपने आप में एक ऐसी स्थिति को देख पाऊं जिसकी में निरंतरता हो पाए। इनफैक्ट दूसरी तरफ से देखें तो हम कहते हैं मेरी आवश्यकता निरंतर सुख है, ठीक, एक तरह से देखें। दूसरी तरफ से देखें तो दिखता है कि मैं एक ऐसी स्थिति में होना चाहता हूं जिसमें निरंतरता हो। तो मेरी मूलतः जो आवश्यकता निरंतरता है, और जिस स्थिति की निरंतरता है उसको मैंने नाम दिया सुख। ना मैं दुख निरंतर चाहता हूं, ना दुख की निरंतरता हो सकती है, सुख की निरंतरता हो सकती है, दुख की निरंतरता नहीं हो सकती, ये भी निश्चित है। कोई व्यक्ति निरंतर दुखी नहीं हो सकता, बट निरंतर सुखी हो सकता है। तो जिस स्थिति में मैं निरंतर बने रहना चाहता हूं उसको नाम दिया सुख। तो सुख एक नाम हमने दिया है, ठीक है ना। उस स्थिति को जिसमें, जिसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ, वो क्या है स्थिति? तो मेरे अंदर लय हो, सामंजस्य हो, यानी संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, अस्तित्व का भाव हो, है ना। उसको हमने एक स्थिति को नाम दिया है सुख। और ये भाव पूरा होता है सही समझ से, सही भाव से, ज्ञान से, समाधान से। शरीर को देखें तो शरीर की आवश्यकता पूरी होती है भौतिक रासायनिक वस्तुओं से। जी कृष्ण गोपाल जी, नमस्ते भैया। जी नमस्ते। भैया मैं की आवश्यकता हैप्पीनेस है, वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस है, और शरीर की आवश्यकता सुविधा है, फिजिकल फैसिलिटीज है। लेकिन जब शरीर की आवश्यकता पूरी होती है, सुविधा जो जरूरत की सुविधा है वो मिलती है, तो मैं में सुख घटता है, और अगर सुविधा नहीं मिलती है तो मैं में सुख नहीं घटेगा, ये भी
जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं और शरीर सह अस्तित्व है, और जब मैं में सुख घटेगा तो शरीर को सुविधा कम मिलते हुए भी कई बार शरीर ठीक रहता है। तो इसका मतलब ये समझे भैया, मैं और शरीर सह अस्तित्व है, इसलिए दोनों दूसरे जुड़े हुए हैं और कहीं कहीं तो प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। देखिए, जो पहली बात है वो ठीक नहीं है कि शरीर की आसक्ता इस सीमा में अगर पूरी ना हो तो मैं दुखी हो जाता हूं। ये तो फिर हमारी नासमझी है। तो समझ के साथ ये होता है कि मैं शरीर की आवश्यकता उस सीमा में पूरा भी करता हूँ, और यदि किसी कारणवश पूरा ना हो पाए तो कारण मुझे समझ में आता है और मैं अपने आप में आराम में बना रहता हूँ, कोई प्रतिकूल संवेदना आ रही है। या शरीर को मान लो भोजन मिल ही नहीं रहा किसी भी कारण से, तो क्या शरीर मैं सुख अनुभव करेगा? ऐसा क्यों होगा कि शरीर को भोजन ही ना मिले? हाँ नहीं, वो तो नहीं हो, लेकिन नहीं मिल रहा है मान लो किसी परिस्थिति में, नहीं, ऐसी जहां परिस्थिति में देखिए, समझ का मतलब ये नहीं कि हम दीवार पे सर मारेंगे दुखी नहीं होंगे। समझ कोई नहीं, का मान लो मतलब दीवार पे सर ही नहीं मान मारेंगे। लो एक्सीडेंटली आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो क्यों पहुंच गए हैप्पीनेस वहां भाई? रुकिए रुकिए, क्यों पहुंच जाएंगे? समझ के साथ हम ऐसी जगह क्यों पहुंच जाएंगे जहां भोजन ही ना मिले? पहले से हम देख लेंगे भोजन या की कई बार व्यवस्था होता नहीं है। एक्सीडेंटली कोई पहुंच जाता है, समझ से नहीं, एक्सीडेंटली। देखिए तो ना समझी है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण दीजिए, क्यों पहुंच गया वहां पर? देखिए जैसे भैया कोई यात्रा कर रहा, समुद्र की यात्रा कर रहा है, और बाई चांस कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ और वो टापू ऐसे टापू पे लग गया जहां पे कोई व्यवस्था नहीं खाने पीने की। आप ये भी समझेंगे भाई, ऐसे समुद्र में यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों टापू पे फंस गए? देखिए अभी क्या होता है, हम कोई प्रतिकूल एक देश से प्रतिकूल दूसरे देश जाने के लिए कर रहे हैं ना भैया वो तो। हाँ, तो उसके लिए भी हम एक पहले उसकी पूरी व्यवस्था को समझेंगे, फिर उसको पूरा करने जाएंगे। मैं क्यों समझ रहा हूँ, ये सह अस्तित्व में कहीं कहीं दोनों एक दूसरे पर कुछ न कुछ तो डिपेंडेंसी है ना भैया। जब देखिए तक उसको मैं भी आप शरीर देखिए, जब जब तक मैं शरीर में है तब तक तो डिपेंडेंसी है ना भैया एक दूसरे की। किस बात की डिपेंडेंस है वो देखना पड़ेगा। तो मेरा होना शरीर पर निर्भर नहीं है, तो मेरे होने का कोई डिपेंडेंस नहीं है। होने का नहीं है, ठीक, लेकिन हैप्पीनेस तो कहीं कहीं रिलेटेड है ना भैया। वो तब होता है जब हम सुविधा को सुख मानते हैं। तो क्या होता है, शरीर में सुविधा की पूर्ति होती है ना? उससे मुझे एक सूचना मिलती है संवेदना के द्वारा, उसको मैं एक अर्थ देता हूँ कि हाँ ये बात पूरी हो गई। तो जैसे भोजन ले रहे हैं, हकार आया, अब मैं उसको एक अर्थ दे पाता हूँ कि हाँ भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई। ठीक, फिर देखते हैं, अरे गुलाब जामुन आ गया, तो मैं एक नया अर्थ देता हूँ कि नहीं, कुछ अंश शेष है, अभी और जा सकता है अंदर। तो फिर मैं हाथ उठाता हूँ, गुलाब जामुन चुनता हूँ, नहीं तो नहीं चुनता। तो क्या होता है कि शरीर में तो सुविधा हम रखते हैं या शरीर को सुविधा देते हैं, और उसको फिर हम एक अर्थ देते हैं कि पूरी हुई कि नहीं हुई। लगता है नहीं पूरी हुई तो और हम उसके लिए प्रबंध करते हैं, जुटाते हैं। लगता है पूरी हो गई तो वहां कार्यक्रम रोक देते हैं। अब इस तरह की जो बात है ना कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति में फंस गए, तो भाई हम पहले से तैयार रहते। अब जैसे मान लीजिए, अगर मुझे समुद्र की यात्रा करनी है, 1000 मील की यात्रा है, ठीक है, तो हम पहले से ही तैयार हैं। ऐसा हो सकता है कि समुद्री तूफान आ जाए, समुद्र में गिर जाए, मछलियां खा जाए, बट मैं बना रहूंगा, पहले से हमको दिखता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जो हमको समझ में ना आए, और हम उसके लिए पहले से उपाय करके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए उपाय कर लो भाई। अभी आपने ब्लैंकेट का एग्जाम्पल दिया था कि जरूरत से ज्यादा ब्लैंकेट ओढ़ लिया तो भी असुविधा होगी, और जरूरत से कम मिला तो भी असुविधा होगी। असुविधा होगी ना कि दुखी होंगे, अगर समझ होगी तो कितना ब्लैंकेट है इसको तय करेंगे, ना कि हम अपने ऊपर 4 ब्लैंकेट डाल के फिर कहेंगे मैं दुखी ना हो। कि नहीं, देखिए कई बार ऐसी समझना कोई सूचना की बात नहीं है, समझना मतलब मुझे पूरे जीने का कार्यक्रम स्पष्ट होता है, संपूर्णता को देख पाता हूं मैं, उसके साथ मैं शरीर को भी देख पाता हूँ। यहाँ इस शरीर का रखरखाव कैसे करना है, अपने लक्ष्य को देख पाता हूँ। अब मैं समुद्र की यात्रा पर भी निकला हूं तो मौज मस्ती करने के लिए निकला हूं, तो मैं परतंत्र हूं, है ना, करुणा के भाव के साथ किसी दूसरी जगह पर रहने वाले लोगों के उपकार के लिए जा रहा हूं, तो फिर मैं उसी योजना के साथ जाऊंगा, उसी कार्यक्रम के साथ चलो, जाऊंगा। वो मेरा उदाहरण एकदम सुटेबल नहीं हुआ भैया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आपने ब्लैंकेट का एग्जांपल लिया, और हम किसी शादी ब्याह में गए हैं और किसी और ने अरेंजमेंट किया है,
पर वहां पे मान लो ब्लैंकेट उतने अवेलेबल नहीं, जितना उस समय जो सर्दी है जितना चाहिए उतना सबको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या रात भर जो मैं है वो हैप्पीनेस में रह पाएगा? तो हम जाकर पहले देख लेंगे ना कि रात को सोने की व्यवस्था क्या है, अगर नहीं है व्यवस्था तो जाकर ब्लैंकेट ले आएंगे और कुछ। चलो ठीक है भैया। देखिए, समझने का मतलब ये नहीं कि हम परिस्थिति के ये हो गए हैं, है ना, बंधन में आ गए हैं। हम परिस्थिति का मूल्यांकन करके अपना भागीदारी तय करते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट नहीं, अपने जेब से पैसा लगा देंगे भाई और ब्लैंकेट ले आएंगे। हमारे अंदर समृद्धि का भाव होगा, संबंध का भाव होगा, तो हम खुद ही ब्लैंकेट की व्यवस्था करेंगे। वो पहले से पता है कि अगर वहां हो सकता है कि ये लोग ब्लैंकेट की व्यवस्था ना कर पाए, बहुत लोग पहुंच गए हैं, तो क्यों ना हम भागीदारी करें कुछ सुविधा जुटाने में, उस व्यक्ति का सहयोग करने में, कि नहीं? जी बढ़िया भैया। तो इसको हम देखें, इनफैक्ट इस तरह के जो प्रश्न है ना, जो कृष्ण जी पूछ रहे थे, ये प्रश्न कई बार हमको आते हैं कि शरीर को किसी अवसर पे सुविधा का बिल्कुल अभाव हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो क्या करेंगे। तो हम समझ के साथ अपने पूरी योजना कार्यक्रम को निश्चित करते हैं कि नहीं। तो अभी क्या होता है, लोग कई बार टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, ठीक है ना, अनुकूल संवेदना पाने के लिए। अब ठंड का मौसम है, संवेदना तो ऐसे प्रतिकूल है, बट पहाड़ों पे गए हैं बर्फ में खेलने के लिए, अब वहां पे कोई दुर्घटना हो जाए, तो अगर हम समझ के साथ देखें तो पहले से तय करें कि ये कार्यक्रम हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। तो समझ के साथ हम पूरे जीने के कार्यक्रम को तय कर पाते हैं, फिर उसके साथ हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं, शरीर की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। इसको हम देखें अपने आप में, है ना, इसको लेकर जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं उन सबको हम देखें, इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। आज का असाइनमेंट यही रहेगा कि मेरी आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता को बारीकी से देखना है। जो भी इसके संबंध में प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों को अपने अंदर नोट कर लिया जाए, कल हम उसको चर्चा करेंगे, फिर इस चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना असाइनमेंट रहेगा, इसको ऑब्जर्व करें।